तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इस तरह के इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे बनाएं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पोस्ट को बनाने के लिए आपको पिक्सल लैब की जरूरत होगी, तो पिक्सल लैब ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो पिक्सल ऐप को ओपन कर लीजिए। अब पहले से ही वहां पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, न्यू टेक्स्ट। तो ए आइकन पर जाएंगे और डिलीट के बटन पर क्लिक कर इसे डिलीट कर देंगे। अब प्लस के आइकन पर जाते हैं, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करते हैं और वहां से एक फोटो ले लेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस फोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे बीच में। फोटो को एडजस्ट करने के बाद फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी से एक शैडो ले लेंगे, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से एडजस्ट कर लें। शैडो को एडजस्ट करने के बाद हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और प्लस के आइकन पर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर टेक्स्ट में हम जो भी हिंदी टेक्स्ट जो भी हम पोस्ट में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। पोस्ट को लिखने के लिए मैंने गूगल इंडिक कीबोर्ड का इस्तेमाल किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक्स्ट को लिखने के बाद हम अलाइन पर क्लिक करेंगे और बीच वाला ऑप्शन चुन लेंगे। अब वर्ड्स दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। साइज को एडजस्ट कर लें। साइज को अच्छे से धीरे धीरे फोटो के नीचे एडजस्ट करें, जिससे देखने में यह काफ़ी सुंदर लगेगा। अब हम टेक्स्ट के कलर को चुनेंगे। कलर को चुनने के लिए कलर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसके लिए कलर को पिक कर लेंगे। हम प्रत्येक अलग अलग टेक्स्ट के लिए अलग अलग कलर को पिक करते हैं। जिस टेक्स्ट के लिए जिस कलर चाहिए तो उस कलर उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर कलर को चुन लेंगे। अब प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद हम गैलरी से एक इंस्टाग्राम का लोगो ले लेंगे। इंस्टाग्राम लोगो के साइज को ठीक से एडजस्ट करने के बाद हम फोटो को ठीक नीचे लगा लेंगे और उसके बाद टेक्स्ट प्लस के आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट को लिखेंगे। टेक्स्ट में हम अपने इंस्टाग्राम यूजर आईडी का नाम लिखेंगे। टेक्स्ट को लिखने के बाद हम टेक्स्ट का कलर लोगो से मैच कर लेंगे। लोगो कलर रेड है, इसलिए टेक्स्ट का कलर भी हम रेड कर देते हैं। अब लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद हम लोगो और उसके नाम को मर्ज कर लेंगे। लोगो और उसके नाम को मर्ज करने के बाद उसके टेक्स्ट साइज को छोटा कर लेंगे और शैडो के थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और आपके इंस्टाग्राम का जो भी प्रोफाइल पिक्चर है उसको लेंगे। फिर गोल आइकन पर क्लिक करके इसके राउंड शेप में एडजस्ट कर लेंगे। राउंड शेप में एडजस्ट करने के बाद पिक्चर में थोड़ा ऊपर करके इसे लगा देंगे, जिससे देखने में सुंदर भी लगेगा और आपका पोस्ट कोई और नहीं चुरा सकेगा। सेव के बटन पर आप क्लिक करके सेव एज इमेज करके आप इसको सेव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है, आप वहां जाकर उसे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।